नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा भाग है जो हम करने जा रहे हैं। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि हमारे पास जो संख्या है वो इस प्रकार से है कि उसके इकाई स्थान और दहाई स्थान, इकाई स्थान पर है x और दहाई स्थान पर है y। तो जो संख्या होगी मान लो इकाई स्थान का अंक बराबर है x, दहाई स्थान का अंक बराबर है y, तो संख्या कितनी हो जाएगी? याद रखना बच्चों, यदि इकाई स्थान पर 5 हो, दहाई स्थान पर 3, तो संख्या होती है 3 को दहाई वाले स्थान को 10 से गुना कर दो, इकाई वाले स्थान को 1 से गुना कर दो। तो 3 गुना 10 30 प्लस 5 गुना 1 5 35, ठीक है बच्चों? दहाई स्थान वाले को 10 से, इकाई स्थान वाले को 1 से गुना करना है। तो इसी प्रकार से ये जो हमने लिया है इकाई स्थान पर x और दहाई स्थान पर y, तो संख्या कितनी होगी? दहाई स्थान वाले को 10 से गुना कर दो यानी 10y, इकाई स्थान वाले को 1 से 1 गुना एक्स एक्स, तो आ गया 10y प्लस एक्स, ये हमारी संख्या बन गई। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास दो अलग अलग कंडीशंस दी गई हैं। पहली है अंकों का योग है 9, अंक है x और y, इसका मतलब x प्लस y होगा 9। अंकों का योग है 9 यानी x प्लस y है 9 के बराबर, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। दूसरी तरफ हमें कहा गया इस संख्या का 9 गुना, संख्या कौन सी? ये वाली, इसका 9 गुना किसके बराबर है? संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। यदि अंकों को पलट दें, पहले इकाई स्थान पर x था, अब दहाई स्थान पर x लिख देते हैं, पहले दहाई स्थान पर y था, अब इकाई स्थान पर y लिख देते हैं, तो संख्या बन गई दहाई स्थान वाले को 10 से गुना कर दो, इकाई स्थान वाले को 1 से और प्लस कर दो, तो संख्या बन गई 10x प्लस y। क्वेश्चन ध्यान से समझना, अब यह जो संख्या है 10y प्लस x, इस संख्या का 9 गुना यानी इसको 9 से गुना कर दो, यह किसके बराबर है? संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। संख्या के अंकों को पलटने से संख्या ये 10x प्लस y, इसके 2 गुने के बराबर। दोबारा समझना बच्चों, पहले वाली संख्या का 9 गुना पलटने से बनी संख्या का 2 गुने के बराबर है, यानी ये 2 बराबर है। इसे हम आगे हल कर लेते हैं, 9 गुना 10 हो जाएगा 90y प्लस 9 गुना x हो जाएगा 9x बराबर 2 गुना 10x हो जाएगा 20x प्लस 2 गुना y हो जाएगा 2y। अब हम क्या करेंगे, x और y को दोनों को लेफ्ट साइड ले आएंगे, 90y प्लस 9x, 2x यहाँ 20x यहाँ प्लस हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा माइनस 20x, 2y यहाँ प्लस हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा -2y बराबर, आगे कुछ नहीं बचा तो 0। ये हमारा सारा रफ वर्क है। आगे देखते हैं, 9x में से 20x माइनस करो, प्लस माइनस माइनस, 20 में से 9 गया 11x, साथ में साइन बड़ी रकम का, 90y माइनस 2y होता है 88y, साथ में साइन प्लस का क्योंकि 90 बड़ा है, बराबर 0। इन दोनों में से हम माइनस 11 को कॉमन ले लें तो यहाँ पे बच गया x, और क्योंकि इसमें से माइनस कॉमन लिया तो यहाँ आ गया माइनस, 88 को 11 से भाग कर दिया तो आया 8, साथ में y बराबर 0। अगले स्टेप में x माइनस 8y
माइनस ग्यारह उधर जीरो से भाग होके बन जाएगा जीरो। अब हमारे पास दो समीकरणें आई हैं, पहली समीकरण ये जो शुरू में ही आ गई थी, दूसरी समीकरण आई है ये। अब इन दोनों समीकरणों को मिलाओ तो यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, तो किसी को भी गुना करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों के गुणांक पहले से ही एक जैसे हैं। तो हम इन रकमों को दोबारा लिखते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर नौ, ये आई ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन, एक्स माइनस आठ वाई बराबर ज़ीरो। इन दो समीकरणों को हम हल करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, यदि इनके साइन एक जैसे हों तो समीकरणों को माइनस करना पड़ता है, उसके लिए इसका निशान प्लस है तो माइनस, इसका निशान माइनस है तो प्लस, ये ज़ीरो है इसका कोई निशान नहीं। अब क्या होगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, बाकी बच गया वाई प्लस आठ वाई नौ वाई बराबर नौ प्लस ज़ीरो, नौ वाई आ गया नौ, नौ इधर गुना हो रहा था उधर आके हो गया भाग, नौ से नौ कट गया एक, इसका मतलब वाई की वैल्यू आ गई है एक। ये हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई है। इसके बाद हम इस y की वैल्यू को डालेंगे इक्वेशन नंबर वन में या टू में, हम वन में डाल देते हैं। वन थी इक्वेशन x प्लस वाई बराबर नौ, एक्स प्लस वाई बराबर नौ, तो इसमें x प्लस वाई की जगह y की वैल्यू डाल दो वन बराबर नौ। यहाँ अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन वन, ताकि आपको याद रहे आपने क्या किया, हमने इक्वेशन वन जो थी x प्लस वाई बराबर नौ, एक्स प्लस वाई बराबर नौ, इसमें हमने y की जगह लिखा वन, x प्लस वन बराबर नौ, यहाँ से x कितना आ गया नौ, वन इधर प्लस हो रहा उधर आके माइनस बराबर आठ, इसका मतलब x का मान कितना आ गया है आठ, आठ आ गया है। लेकिन हमें एक्स वाई नहीं निकालना, हमें क्या निकालनी है संख्या, हमें क्या निकालनी है संख्या। तो संख्या किसके बराबर होगी, संख्या है, दो तरीके निकालने के, इकाई स्थान पर x और दहाई स्थान पर y लिख दो तो अपने आप ही संख्या बन गई, ठीक है, इकाई स्थान दहाई स्थान, इकाई स्थान पर हमने लिखा था x, x कितना है आठ, दहाई स्थान पर हमने लिखना है y, y कितना है एक। देखो इकाई स्थान पर x, दहाई स्थान पर y, तो वाई एक्स, वाई है एक, x है आठ, तो इसका मतलब हमारी जो संख्या वो कितनी बन गई 18 बन गई। इसी संख्या को निकालने का एक और तरीका भी है, हमने लिखा था संख्या बराबर 10y प्लस x बराबर 10 गुना वाई प्लस एक्स, यानी 10 गुना, सॉरी ये प्लस x ऐसे बाहर है ब्रैकेट से बाहर है, 10 गुना वाई, वाई है एक प्लस एक्स, एक्स है आठ, दस एकम दस प्लस आठ, दस प्लस आठ कितना होता है 18। तो देखो चाहे आप ऐसे निकाल दो चाहे ऐसे निकाल दो, हमें संख्या निकालनी थी, संख्या हमने 18 निकाल दी है, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ आया होगा, यदि जहाँ से भी आपको ये समझ ना आया हो वहाँ से थोड़ा सा वीडियो को पीछे जाकर फिर से देखिए, फिर से देखिए, यह ज़रूर आपको समझ आ जाएगा। और हमने इसीलिए अलग अलग कलर्स यूज़ किए होते हैं ताकि आपको हर चीज़ अलग से दिखाई दे और आप समझ पाएँ। यदि आपको हमारी ये मेहनत बच्चों अच्छी लगे तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।